हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने यूनिट सर्कल सीखा था। ओके डन, आपको आता ही है, उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, दूसरे वीडियो में हमने रूल्स सीखे, वो भी आपको आता है, रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जांपल भी हमने स्टार्टअप किए थे, पर कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर आप बात कर रहे थे कि 500, 1000, 2000 कितनी भी वैल्यू से ढूंढ सकते हो, पर अभी तो हमने छोटे छोटे एंगल की बात की है, तो आज वो टाइम है हम थोड़े बड़े एंगल की बात करें। ओके, और बड़े एंगल कैसे, तो 360 तक तो आपको दिख ही रहा है, वो आपके नॉलेज में है, पर उससे ज्यादा आगे की बात करो तभी पता चलेगा किस तरह से वर्कआउट है। जैसे मैं पहले ले रहा हूं 10 480 डिग्री, ओके, नियरेस्ट टू 500। एंगल ऐसा चूज करो कि जिसके दो कंपोनेंट बने, एक हमारा रेफरेंस पॉइंट बने और दूसरी की वैल्यू हम जानते हो, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है वैल्यू ढूंढने का। तो चलो पूरा सर्कल रोटेट किया तो 360 पे आए, 360 दैट मींस नॉट ए एंडिंग पॉइंट, अगेन आपको रोटेशन करना है। जैसे मतलब कि इसमें 90 ऐड करोगे तो 450 आएगा, अगेन 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा कि भाई 540 आएगा, अगेन 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा 630 आएगा, अगेन 90 ऐड करोगे तो 720 आएगा। तो दूसरा रोटेशन खत्म हुआ तो 720 हुआ। जितने भी आगे आप रोटेशन करते जाओगे उसी हिसाब से एंगल प्लस होता जाएगा। अभी देखो 480 मेरी रेंज में अभी दिख रहा है क्योंकि 450 इसके नियरेस्ट है, 450 तो दो इससे बनाओ 10 450 प्लस 30। ओके, तो 450 ये रहा, 450 इज ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे है, ओके, तो सीधी बात है कि फंक्शन चेंज, 10 का कॉट 450 प्लस, अभी यूनिट सर्कल को रट्टा नहीं मारना है, इमेजिन करना, ये मेरा यूनिट सर्कल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज, वाई एक्सिस से प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस है, हमारा 10 तो माइनस ही है और लास्ट में क्या है 30। चलो कॉट 30 की वैल्यू भी रट्टा नहीं माननी है, कॉस 30 डिवाइड बाय साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30, √3/2, साइन 30 1/2, 2 कैंसिल, √3/1, उसको क्या लिखेंगे √3। फिर भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप टेबल का यूज कर सकते हो, मैं फोर्स आपको करता नहीं हूं, पर जितना याद रखोगे उतना आपका वर्कलोड कम होगा। ओके, अगेन एक लेते हैं, ये एक्सरसाइज का समय, फंक्शन मेरे को परफेक्टली नहीं याद है साइन है कि सेक है क्या, पर क्वेश्चन की जो डेटा मैं ले रहा हूं 4110, दिस इज दी वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज। ओके, चलो 4110 थोड़ी बड़ी वैल्यू, 1000 के ऊपर गई। ओके, चेक करो, फर्स्ट राउंड 360 अभी बहुत दूर है, सेकंड राउंड 720 अभी बहुत दूर है, थर्ड राउंड और इसमें 360 ऐड करो तो 1080 अभी भी दूर है, और एक राउंड लगाओ तो 1440 क्या हो जाएगा, 1440 क्लियरली। ओके, बस अभी डन, 1440 नियरेस्ट टू 1410, बीच में 30 का ही गैप है, ऑलवेज हम प्लस ही करते, एक बार माइनस भी करके देखे तो साइन 1440 आगे चल गए, हमें तो 1410 चाहिए ना, तो माइनस 30 किया, 1440 माइनस 30। ओके, चलो 1440 दैट मींस आप यहां पे हो एक्स एक्सिस पे, नो फंक्शन चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, फंक्शन चेंज होगा नहीं, क्लियर। ओके, चलो इसके माइनस है, नीचे आओ, प्लस होता तो ऊपर चलते, माइनस है तो नीचे, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस एंड सेक प्लस, मतलब साइन तो क्या है माइनस, लास्ट में क्या है 30, तो बोलो वैल्यू आई 1/2 है इसी, बिल्कुल जितना भी बड़ा एंगल हो, क्यों 5000 ना हो कोई टेंशन नहीं, यूनिट सर्कल पे कंसंट्रेशन करो, चेक करो कि कौन सा एंगल हमारा बेस एंगल बनता है और बाजू में नॉन वैल्यू होनी चाहिए, बात खत्म। ओके, अभी ट्रस्ट हुआ कि कितना भी बड़ा एंगल हो हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं, पर सर्कल में एक ही बार फिर कभी भी हो वो रिपीटेशन ही होगा, नया कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर बार सर्कल का रोटेशन वही होता है, तो वैल्यू रिपीटेशन ही होती है, पर एंगल बड़ा होता जाएगा उस हिसाब से कैलकुलेशन में उसको स्प्लिट करना है।
ओके ऐसा आप घर पे अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे एंगल की। देखो जैसे ऐसे करो साइन की जगह पे सेक कर दो, वैल्यू बदल जाएगी, भले ना एंगल यही रहा। टेन की जगह पे क्वार्ट कर दो, एंगल यही रहा। आपको दो तीन में होमवर्क में भी आप देता हूं कि आप ट्राई करना। लिखना सेक 510 डिग्री, क्या लिखना है 510 डिग्री। ओके चलो ये ट्राई कर रहा, फिर आप करोगे कोसेक। ओके कोसेक आप करना 660। ओके दूसरा ये ट्राई करना, और फिर उससे आगे भी एक और ट्राई करते हैं। ओके तो वो आप करोगे 10 करना 1050। ये तीनों पे इसमें फंक्शन चेंज करने की आपको जितने फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो, पर है बहुत इजी, बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं। अपने आप आराम से इजीली ट्राई करो और बेटा सॉर्ट आउट करो। ओके यहां से मतलब कि हमारा ओके जो बड़े एंगल के लिए कैलकुलेशन करना था वो काम खत्म हुआ। ओके अभी हम मतलब कि इतने होमवर्क में आप ट्राई करना, शायद सभी के आंसर आ जाएंगे। मेरे को व्हाट्सएप में भेजना भी सही आंसर, अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार रिमाइंड करवा देना, मैं करवा दूंगा, पर आज यहाँ तक। ओके उसके बाद मतलब कि कल से हम शायद एक्सरसाइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और हमारा आगे का काम कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है आज यहाँ तक रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।